जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। 26 मार्च बड़ा सोमवार, चुपचाप यहाँ जलाएं एक दीपक, इतना आएगा पैसा कि संभाल नहीं पाओगे आप। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज है सोमवार और आज है नवरात्रि का आखिरी दिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माता सिद्धिदात्री की आज पूजा की जाती है। यदि आप इनकी आराधना करते हो तो आपको अलग अलग सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दीपक का उपाय बताऊंगी। दीपक तो आप हर रोज अपने घर में जलाते ही होंगे, लेकिन अलग अलग दिन पर इस दीपक का अलग अलग महत्व होता है। आपको अलग अलग जगहों पर दीपक जलाने होते हैं। यदि आप सही जगह पर दीपक जलाते हो तो माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होता है। माँ लक्ष्मी यदि एक बार आपके घर में आ जाए तो आने वाले दिनों में आपको पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही आपके घर से गरीबी बहुत दूर चली जाती है। हमारे ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली हैं। आप इन्हें जरूर आजमाएं और देखें कि आपको कितना फायदा हो सकता है। यदि आपको ये उपाय करना है और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि यदि आपको ये उपाय करना है तो आप सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करें, तभी आपको इसका फल मिलेगा। यदि आप इन चीजों में विश्वास नहीं रखते, आप इनको नहीं मानते हैं, तो आपको इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके खुद के शरीर के अंदर इस उपाय के बाद एक अलग तरह की एनर्जी तैयार होती है और यही एनर्जी उन सभी चीजों को आपके पास खींचती है और इसी वजह से आपको लाभ मिलता है। तो आइए बात करते हैं उस उपाय की। आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक में आपको शुद्ध देसी घी डालना होगा। यदि आपके घर में शुद्ध देसी घी ना हो तो आप दूसरा कोई तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको उस दीपक को लेकर अपनी पूजा घर के सामने आना होगा और वहाँ पर आपको इस दीपक को रख देना है और वहीं पर बैठकर आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके आपको ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करना होगा। कई बार आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि 21 माला जाप करना है या 21 बार ये मंत्र, तो मैं आपको बता दूं कि आपको बस 21 बार जाप करना होता है। जाप होने के बाद आपको उस दीपक को वहाँ पर जलाना होगा। दीपक जलाने के बाद आपको उस दीपक से आपकी धन संबंधी, पैसे संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपको बोल देनी है। आपको ध्यान रखना होगा कि आप यदि धन संबंधी, पैसे संबंधी समस्याएं इस दीपक से बोलते हैं तो ये और भी शुभ माना जाता है। जैसे कि पहले भी कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस दीपक का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी देवलोक में दिए के रूप में विराजित है। आप इसे माँ लक्ष्मी का रूप भी मान सकते हैं। परेशानियां बोलने के बाद आपको उस दीपक को वहां से उठाना होगा और उसे लेकर आपको अपने मुख्य दरवाजे पर आना होगा। वापस आने के बाद आपको मुख्य दरवाजे के अंदर की और दाई तरफ यानी राइट साइड में आपको इस दीपक को रख देना है और आप दीपक को ऐसी जगह रखें कि वहां पर इस दीपक को हवा ना लगे, ये दीपक हवा से कहीं बुझ ना जाए। इस दीपक को आपको आज की रात 12 बजे तक जलने देना है। यदि ये दीपक जलाने के बाद कहीं बीच में बुझ जाता है तो आप इसे दोबारा चला सकते हैं। बस आपको 12 बजे तक इस दीपक का ख्याल रखना है। आपके मुख्य दरवाजे पर इसकी रोशनी होनी चाहिए। इसी रोशनी से, इसी दीपक से माँ लक्ष्मी जी उस घर पर आकर्षित होती है जिस घर के अंदर ये दीपक जलाया जाता है। यदि आपको अपने घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश चाहिए तो आपको ये दीपक जरूर जलाना होगा। इस उपाय के बाद आपके घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपके घर के कलेश खत्म हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होने से आपके लिए अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। इस उपाय को आपको आज की रात 9 बजे के बाद करना होगा। इस दीपक को आप 12 बजने तक जलने दें। उसके बाद आपको उस दिन सो जाना है और अगले दिन जब आप उठोगे तो आप वहां से उस दीपक को उठा लें और इसे साफ करके अगले उपाय के लिए, भगवान के लिए उसे इस्तेमाल कर लें। ये उपाय आप जरूर करें और देखें कि आपको कितना फायदा होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।